नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि अगर उदाहरण दूं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, ये जो बिल्कुल भी है, इन वर्ड्स का यूज़ हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये बिल्कुल भी जो सेंटेंसेस होते हैं, इन तरीकों के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और कैसे अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इन तरीकों के सेंटेंसेस में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो दोस्तों ये है कि बिल्कुल भी के लिए हम दोस्तों यूज़ करते हैं इंग्लिश में एट ऑल का। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? एट ऑल। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब इसका रूल देखिए, सेंटेंस प्लस एट ऑल। पहले आपका सेंटेंस आएगा जो किसी भी टेंस में हो सकता है। जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, वो हमारे पुराने ग्रामर के वीडियोस, टेंसेस के वीडियोस, सेंटेंसेस के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल से इसे हम और बेहतर समझेंगे। देखिए, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ही डजंट केयर एट ऑल। पहले सेंटेंस आ गया ही डजंट केयर, आखिर में एट ऑल। ही डजंट केयर एट ऑल, ठीक है दोस्तों। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। आई एम नॉट फीलिंग हंगरी एट ऑल। आई एम नॉट फीलिंग हंगरी एट ऑल। वो बिल्कुल भी नहीं हंसता, वो बिल्कुल भी नहीं हंसता। ही डजंट लाफ एट ऑल। ही डजंट लाफ एट ऑल। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि बिल्कुल भी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें आप इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।